हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या जजमेंट कब आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम जजमेंट कब आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, डेथ के पास में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या जजमेंट कब आएगा? तो एक बात है गाइस कि आपको आपकी लाइफ के डिवाइन टाइम का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये कह सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में काफी सारी तकलीफों का सामना किया है, काफी सारी मसले आपकी लाइफ में एक साथ उठ खड़े हुए हैं, जहां पर कह सकते हैं कि एक अगर किसी समस्या का समाधान करो तो कोई दूसरी समस्या उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं गाइस कि देखो कुछ सिचुएशन कैसी हो रही है आपके साथ, मैं एक बात बताऊं आपको कि आपकी पास्ट की एनर्जी को लेकर एक बात कहते हैं कि उसमें आपकी सिचुएशन कितनी बुरी रही है। सबसे पहले तो आपके सामने कुछ घटनाएं ऐसी घटित होनी जहां पर आपको पता भी था कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें होने वाली है या फिर ऐसी परिस्थितियां निर्माण होने वाली है, लेकिन आप चाहकर भी उसमें खुद की मदद नहीं कर पाए या फिर चाहकर भी ऐसी परिस्थितियों को रोक नहीं पाए। जैसे कई बार ऐसे ऐसा हो जाता है गाइस कि सामने से पता होता है कि कुछ चीजों को हम रोक नहीं सकते लेकिन वो दिखती है ना। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई इंसान चाहकर भी मदद नहीं कर पाता या बिगड़ती हुई चीजों को जब कोई इंसान अपने नजरों से देखता है ना, तब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी घटना के बारे में स्पष्ट पहले से पता था, कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हुई और या आपकी नजरों के सामने बहुत सारी चीजें खराब हुई, अस्त व्यस्त हुई, अव्यवस्था का उत्पन्न होना। मतलब जैसे हो सकता है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल एक एक फैमिली के मैटर के आधार पर समझाने की कोशिश करूं कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक आपको भी पता था कि अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और एकदम अव्यवस्था उत्पन्न हो जाना एक ये भी हो सकता है। इसे फिनेंशियल मैटर को लेकर भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ से बिगड़ती गई बिगड़ती गई। काम हो सकता है कि खराब होता गया और ये परिस्थितियां आपकी लाइफ में उत्पन्न हुई। दूसरा ये कह सकते हैं कि सुरक्षा का अभाव आपको लगना या काम का धीरे 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 बनना, ये इसके अलावा संघर्ष आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चलना, ये चीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हुई है। तीसरा ये कार्ड कहता है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, कि डेथ का मोमेंट जब भी आपकी लाइफ में आया था ना, तब इसने आपकी लाइफ से बहुत कुछ छीना है और इतना कुछ छीना है कि चाहकर भी आप भूल ना पाओ। या ये परिस्थिति आपके दिमाग में आती है या ये सिचुएशन आपको पिक्चर्स की तरह दिखती है, इमेज की तरह दिखती है कि आपने अपनी नजरों से कुछ चीजों को खोते हुए देखा है और वही चीजें नींद में जो है ना ये बिल्कुल आपको दिखती है, वही सपने आते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज आपकी नींदों को उड़ाती है। अभी इतनी सारी पास्ट की एनर्जी आप पर इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि आपको बांध कर रख रही है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि चाहकर भी आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने ऐसे सिचुएशन में थोड़ा साहस दिखाया होता या कुछ अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा प्रयास किए होते ना, तो ये चीजें बिगड़ती नहीं। देखो पास्ट की एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा बात आई है, अब ये क्यों आई है इसके बारे में कंफर्मेशन देने के लिए, एक बात के बारे में कंफर्मेशन देने के लिए। अब वो क्या बात है मैं बताती हूँ आपको, बट मैं पहले एक आपको ये बात बताऊं कि ये सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट हुई होगी कि
नजरों से चीजों को बिगड़ते हुए देखना, बुरी घटनाएं आपने फेस की है, काम का रुक रुक कर बनना या बाधाएं बहुत ज्यादा क्रिएट होना, इवन कह लो कि आपके कोई भी शुभ काम हो या कोई भी अच्छा काम आप करने की कोशिश करो, उसमें कोई ना कोई बाधा का क्रिएट होना या फिर सहमति नहीं होना, है ना। ये भी चीजें आपके साथ हुई है कि आप सहमत हो जाओ, आप किसी आपको और लोगों को समझाने में दिक्कत होना, ये भी है, और कुछ चीजों का खोना और नींदे उड़ना, ये चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हुई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इतनी सारे भोगने के बाद में हमारी लाइफ का डिवाइन टाइम कब आएगा जब इन चीजों में सुधार होगा। देखो एक बात कहूँ, ये घटनाएं तो आपकी लाइफ से घटित हो चुकी है, इनसे आपको अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुरी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं थी जो चाहकर भी कोई इंसान कह सकता है ना कि अपने दिल दिमाग से उसको भूल नहीं सकता, और भूलने का मात्र एक ही तरीका होता है कि उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो जाए या कुछ अच्छी खुशी जो वो चाहते हैं उनको मिल जाए, जो उनके घावों को भर दे, है ना। तो ऐसी मांग आपकी है, ऐसी डिमांड आपकी है। देखो मैं एक बात कहूँ, बिल्कुल आपकी नजर में कोई या आपके दिल में कोई विच है। सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको कहूँ कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल चुकी है। इसकी कंफर्मेशन कैसे है का कार्ड आना, डेथ के पास में एस ऑफ कप्स का कार्ड आना और यहाँ पर द फूल की एनर्जी आना। आप भले अपने आप को अभी भी इस पास्ट की एनर्जी से बांधे हुए हो गाइस, लेकिन अभी आपकी एनर्जी जो है ना वो मैजिशियन वाली है। देखो एक समय आपका टर्न कर चुका है ना। अब ये नहीं सोचो कि आप पहले वाली स्थिति में हो, अब पहले वाली स्थिति में नहीं हो, अभी बहुत अच्छी स्थिति में हो गाइस। ऐसी स्थिति में हो जहाँ बहुत ज्यादा विजडम आपको आ गई, आप चाहकर भी बुरी सिचुएशन में नहीं फंस सकते अब, है ना, नहीं फंस सकते। अब आपकी लाइफ में अच्छा होना ही लिखा हुआ, न्यू बिगनिंग होना लिखा हुआ एक विजडम के साथ में। तो जितनी भी प्रॉब्लम आपको झेलनी थी, जितना भी दुख आपने झेलना था ना, वो खत्म हो चुका है। अब डिवाइन टाइम तो आपकी लाइफ का शुरू होना है। और एक बात और मैं कह दूं आपको कि आपकी लाइफ में एक नहीं दो मसलों को लेकर कोई न्यू बिगनिंग हो रहेगा। देखो जहाँ इतना कुछ खोया है ना, यहाँ पर भी टू की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आई है। यानी कोई दो इच्छा या कोई दो ख्वाब हो सकते हैं कि आपने ऐसे रखे हैं। कुछ तो बड़ी चेंज करने वाली परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनने वाली है गाइस, जो वाकई में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करेगी, जो इन इन तकलीफों को मिटाएगी, क्योंकि ये तकलीफें आपने बहुत बड़ी भोगी है ना। तो ऐसे में डिवाइन को भी पता है कि एक नहीं एक के साथ दो खुशी अगर आपको दी जाएगी या कोई दो तरीके के बड़े जस्टिस आपके साथ होंगे, कुछ बड़ा विशेष आपके साथ होगा ना, तभी आप इस परिस्थिति से बाहर आ पाओगे, आपके इस पास्ट की एनर्जी से बाहर आ पाओगे, तब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी गाइस, डेफिनेटली होगी। आप इंतजार में भी हो। आपको एक बात कहूँ गाइस, आप चाहे मानो ना मानो, आपको बहुत रेस्पेक्ट का मिलना हुआ लिखा हुआ है। अब ये तो देखना पक्का आपको मिलेगी गाइस। आपकी प्रॉब्लम्स की चाबियां जो है ना वो मिल रही है आपको। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम, देखो तो मैजिशियन की एनर्जी भी क्या है, नंबर वन की एनर्जी है, और ये भी वन वन वन, आपको नंबर वन 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 डबल वन वन की एनर्जी ऐसी नजर ऐसी एनर्जी नजर आ रही होगी गाइस, या फिर 999 की एनर्जी नजर आ रही होगी। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात कर रही है। देखो एक बात कह लो गाइस कि अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि जैसा ये कार्ड कह रहा है कि ये चीजें तो आपकी लाइफ से निकल चुकी है, ये कार्ड क्या कह रहा है कि अभी भी पास्ट की एनर्जी से कोई इंसान कनेक्ट होकर बैठा है जो चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पा रहा है। तो वो अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है या हो चुकी है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उनको। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होते ही देखना, आप इन जंजाल से बाहर निकल जाओगे, आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। तीन कार्ड जो है ना ये आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए घेरे हुए हैं गाइस। मैजिशियन की एनर्जी में आना यानी कोई ब्लेसिंग, कोई दुआ का लगना आपको। यहाँ पर देखो पीछे मंदिर की एनर्जी आ रही है ना, कोई धार्मिक स्थल की एनर्जी जो है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी लाइफ की, उससे आपको बाहर निकाला जाएगा गाइस, बिल्कुल बाहर निकाला जाएगा। आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या जजमेंट कह लो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, जहां पर मैनिफेस्ट किया हुआ आपका फलेगा, आपका अच्छा अपने लिए कहा हुआ फलेगा, आपको खूब रेस्पेक्ट मिलेगी, आपकी विजडम में बढ़ोतरी होगी, समझ में बढ़ोतरी होगी, है ना।
कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है, या किन समस्याओं का समाधान आपको किस तरीके से करना चाहिए, वैसी परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। यानी कह सकते हैं कि किसी इंसान के लिए उचित समय आना, अच्छा समय आना, क्या आपके भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको सुख भोगना लिखा हुआ है, आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना हुआ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो, अब आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, अब खुशी आपकी तरफ आएगी या फिर लोग आपकी तरफ आएंगे गाइस। ये समय का बदलाव आप अपने लाइफ में देखोगे कि वक्त आपके लिए कितना अच्छा वक्त लेकर आता है। जो उम्मीदें नहीं की हुई वो उम्मीदें भी आपकी फलेगी गाइस, जो उम्मीदें नहीं की हुई है ना वैसी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है, आप मैजिशियन की एनर्जी में आए हो, या आप जो कुछ भी सोचते हो वो हो जाता है, आपके काम का शीघ्रता से बनना, ऐसी चीजों में बदलाव होगा गाइस। और ये पास्ट की एनर्जी अपने आप भूल पाओगे आप, क्योंकि ये तीन कार्ड आकर क्या कह रहे हैं कि आपके पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर लेकर आना। आपने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होगी लेकिन आप कर नहीं पाए, अब डेस्टिनी करेगी आपके लिए, देखना। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम, जजमेंट का टाइम जो है ना वो आ रहा है गाइस, बड़े कह सकते हैं कि शीघ्र आएगा गाइस, शीघ्र आएगा। बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और डेस्टिनी जानते हैं कि बच्चे की तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। यहाँ पर देखो, फाइव की एनर्जी आई, फाइव ऑफ ये हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड। बिल्कुल गाइस, है ना, चिंता नहीं करना, मालिक की कृपा से सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम जो है ना, ये या जजमेंट का टाइम कह लो गाइस, जब से आपकी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं घटित हुई है उसके बाद से, जब अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उसके बाद से आपकी लाइफ में फिर से सुधार होना तो स्टार्ट हो गया गाइस, लेकिन ये सुधार बहुत धीरे 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 करके एक एक मसले को लेकर धीरे धीरे ये सुधार हो रहा है, जो देखने में कम आता है, या फिर इसको समझ पाने में, या फिर कह सकते हैं गाइस कि ऐसे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा कि इतना धीरे धीरे अगर किन्हीं चीजों में सुधार हो रहा है तो ये तो मेरा समय को ही वेस्ट कर रहा है ना। लेकिन अब कह सकते हैं ना गाइस कि भले थोड़े टाइम तक कुछ चीजों में धीरे धीरे सुधार हो, लेकिन अब फास्ट गति से होगा। ये देखो, ये सेम बिल्कुल ये वाला कार्ड ही है कि अभी भी 2023 में ये जो 5 महीने निकले हैं या 6 महीने निकले हैं ना, वहां पर भी अभी भी आपकी स्थिति यही है कि आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो कि कोई आकर आपकी हेल्प कर देगा तो आपको इस जंजाल से निकाला जाएगा। खुद की मदद ना करने वाला इंसान आप अपने आप को समझ रहे हो, या फिर ये भी आपके दिमाग में आ रहा है कि पहले अगर आप अपनी हेल्प कर पाते या फिर आप अपनी तरफ से थोड़ी और कोशिश करते तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं होता। देखो, एक बात कहूँ गाइस कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, है ना, कि हम किसी परिस्थिति को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि दो तरीके की परिस्थितियां होती है, एक होती है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम अपने प्रयासों के आधार पर बिगड़ने से रोक सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो फेटेड होते हैं, जो मालिक ही मतलब उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं, है ना जी। यहाँ पर दो सिचुएशन, दो कार्ड जो है एक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि अभी भी 2023 में भी आप अपने आप को असहाय बेबस महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प चाहिए, आप लोगों को हेल्प की नजर से देख रहे हो कि कोई आकर आपकी मदद कर दे, कुछ भी परिस्थिति है, लेकिन आप उसमें बंधे हुए से फील कर रहे हो और आप चाहते हो उससे फ्रीडम, उससे निजात पाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है उससे आप निजात पाना चाहते हो। बट यहाँ पर क्या है, मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइस, कि आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो ना कि उस चीज से बाहर आ जाओ, उस चीज से बरी हो जाओ, वो डेफिनेटली होगा होगा आपके साथ। आपको चिंता नहीं करनी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई भी बुरी घटना आपकी लाइफ में घटित नहीं होगी, है ना। आपको मदद मिलेगी, मालिक की मदद मिलेगी, या मालिक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से आप तक में मदद भेजेंगे। लॉयल लोग भी आपकी लाइफ में होंगे गाइस, जो बिगड़ा है ना उन सब के ठीक होने की संभावनाएं बन रही है। और ये डिवाइन टाइम जो है ना, ये आपके 2023 में ही है गाइस, यहाँ पर 23 की एनर्जी है। यहाँ पर इन बंधनों से, इन बेड़ियों से, इन बुरी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालने के बारे में कहा जा रहा है। आपको खुद का इतना कैपेबल बना देना, यहाँ पर क्या है, इतना बंधा हुआ महसूस करना कि खुद की हेल्प ना करना, और यहाँ पर क्या कहना,
ये कह रहा है कि परिस्थितियों ने आप पर कंट्रोल कर रखा, और यहां पर कहा जा रहा है मैजिशियन की एनर्जी में कि मैंने परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये वाली सिचुएशन में आ जाना, ये 2023 में इतना बड़ा रूपांतरण होगा आपका, इतना बड़ा चेंज आ जाएगा आपके आप में। कहां ये कि जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटा हुआ बिखरा हुआ सा है ही नहीं, और यहाँ पर क्या है कि इतना कॉन्फिडेंस कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इतना ज्यादा चेंज आ जाना, और वाकई में वो सार्थक भी सिद्ध होना गाइस। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने में, कहने में, या बड़े बोल बोलने वाली बात ना, वो नहीं, उतने ही शब्दों को काम में लेना जितना जितना हम उसको सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी जहां पर फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी सफलता को प्राप्त करना, इतनी रेस्पेक्ट और ओहदा अपना बना लेना कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान दें, एटीट्यूड ऐसा रखना कि लोग आपको गलत कहने से डरे एक बार, आपके आपके एटीट्यूड से, या आपका ओहदा इतना ऊंचा हो जाए कि लोग सम्मान की दृष्टि से ही देखें आपको। वैंड्स की एनर्जी का आना मतलब अपने लक्ष्य पर, टारगेट पर फोकस रहना कि मुझे अब क्या अचीव करना है, मुझे अब पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना, है ना। इतना चेंज ये 2023 ही आपके लाइफ में लेकर आएगा। अब अभी भले ही ऐसे सिचुएशन में हो गाइस, लेकिन मैं एक बात कह दूं, इससे आपको बाहर तो निकाल दिया गया है ना। अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि पास्ट की एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, और लाइफ की न्यू बिगिनिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि आपको और ज्यादा अच्छे बदलाव जो है ना वो बहुत जल्द दिखने वाले। मैं अभी आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी, है ना। मुझे बस एक कंफर्मेशन चाहिए, टाइम पीरियड आ चुका है, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए रुकी हुई हूँ, है ना जी। नंबर 14, फुलफिलमेंट पूरा मिलेगा गाइस आपको, चिंता ही नहीं करनी। नंबर 32, डोर टू स्पिरिट, आपको काफी सारे एंजल्स की, आर के एंजल्स की और यूनिवर्स की मदद मिल रही है गाइस। बहुत बहुत कह सकते हैं गाइस कि आप ये मैजिशियन के कार्ड जो है ना, यही कह रहा है कि ब्लेसिंग लेकर कोई बच्चा पैदा हुआ है, कैसी भी परिस्थितियां, विपदाएं, कष्ट उत्पन्न क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी सुरक्षित है, चाहे कितना भी बंधा हुआ सा फील कर ले, कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर ले, लेकिन फिर भी आपके लिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया, मतलब पॉजिटिविटी का एंटर आपकी लाइफ में होना तो डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है। मैजिशियन की एनर्जी यही कह रही है कि आपका सोचा हुआ काम का बनना, ठीक है, या फिर आपके लिए ऐसे डोर या पोर्टल का ओपन होना जो आपके लिए एक पॉजिटिविटी ही लेकर आए, शांति लेकर आए, एक फ्रीडम लेकर आए, केयरिंग कनेक्शन लेकर आए, आपके लिए खुशी लेकर आए, मन का सुकून लेकर आए। नंबर 14 देखो, 2332, इस चीज से या इस परिस्थिति से आपको इस परिस्थिति में लेकर आना। नंबर 27, इसमें भी देखो कुछ बेड़िया बस आपने अपनी तरफ से बनाई हुई है गाइस, ठीक है ना, वरना आपकी लाइफ में कोई भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप पा नहीं सकते या फिर आप कर नहीं सकते। आप में वो सारा साहस है, फ्रीडम है, बस समय और परिस्थितियों के आधार पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो चुका है, थोड़ा टूट गया है, ठीक है ना। बट अब अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ का ये डिवाइन टाइम या जजमेंट कब आएगा, तो नंबर 4 और 6 की एनर्जी आई है, ठीक है ना, और नंबर 4 4 यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली 4 हफ्ते या 4 महीनों में आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम आ रहा है गाइस, जजमेंट का टाइम आ रहा है जो आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, आपकी बहुत सारी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए। हालांकि ये कह सकते हैं कि सुधार हो चुका है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आना अपने आप में यही कह रहा है कि एक कदम आपने न्यू सर्कल में रख लिया है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है, जहां पर समझ का दायरा आपके बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। लेकिन ये तो हुआ आपको लेकर चेंजेस की बात, है ना, आपकी परिस्थितियों में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए कहा गया है कि 4 हफ्ते या 4 महीनों में आपकी लाइफ में डेफिनेटली, जब से आप, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, तब से लगाकर 4 हफ्ते या 4 महीनों में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। एक नहीं, सॉरी, 2 न्यू बिगनिंग के बारे में कहा जा रहा है कि जस्ट एक साथ कह सकते हैं कि 2 खुशी का आपको मिलना गाइस, दोनों साथ में खुशी मिलेगी आपको,
और दो बातों को लेकर कोई न्यू बिगनिंग होगी जो आपको इस वीडियो से बाहर निकालेगी, जो आपको लगेगा कि आपकी परिस्थितियों में और आपको लेकर जस्टिस हुआ है। ये बात कर रहा है एक मिरेकल की। तो आपके मन को सुकून देने वाला कोई ऐसा मिरेकल आपके लाइफ में होगा जो आपको खुश करे, आपको हील करे, जहां पर आपको महसूस हो कि मेरे साथ मालिक है, एंजल्स है, आर्क एंजल्स है। काफी सारे आर्क एंजल्स ने आपको सुरक्षित किया है, प्रोटेक्शन दी है गाइस। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपको लगा होगा कि कैसी बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनने वाली थी या कैसी बुरे हालातों में आप गिरने वाले थे, वहां से आपको बचा लिया गया। किसने बचाया? मालिक ने बचाया, एंजल्स ने बचाया, कोई ना कोई देवदूत बनकर आपकी लाइफ में आया है आपको संभालने के लिए। आपको संभाला जाता है गाइस, फिर किस बात की चिंता। देखो एक बात कहूं आपको, आपको भी पता होगा आपका थर्ड आई चक्र ओपन है। आपको शायद आपने कभी एंजल्स नंबर देखे नहीं होंगे या फिर फेदर्स देखते हैं या कोई भी साइन यूनिवर्स की तरफ से मिलता है, इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तब भी उससे पहले भी आपको इंट्यूशन होती है। आपने कई सारे लोगों को कहा होगा या फिर अपनी फैमिली में, अपने अपने ग्रुप में, दोस्तों के साथ कहा होगा कि कुछ चीजों का आभास मुझे पहले ही हो जाता है कि कौन क्या मेरी लाइफ में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इन सब चीजों का आभास आपको पहले से हो जाता है। मतलब ये इंट्यूशन, और शायद ये भी आपको पता नहीं होगा कि ये इसका मतलब क्या है। तो ये इंट्यूशन भी आपको बहुत पहले से हो रही है। और बिल्कुल करेक्ट गाइस, शायद आपने कभी मेडिटेशन भी नहीं किया होगा पहले। ये मैं पास्ट का बता रही हूँ, बहुत टाइम पहले से कह रही हूँ कि ये इंट्यूशन आपको होती है। जब आपने कभी मेडिटेशन भी नहीं किया होगा या कोई पूजा पाठ या कोई ज्यादा धार्मिक स्थल पर जाना या ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हो रही है ना, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग है गाइस। कहीं ना कहीं आपको ही पहले जरिया बनाकर, इंट्यूशन देकर कुछ परिस्थितियों के बारे में पहले ही बता दिया जाता था, संकेत दे दिए जाते थे। मीन्स क्या है कि संकेत आपको पहले से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपको और ज्यादा संकेत और ज्यादा ज्ञान का विस्तार आपका होता जा रहा है कि अच्छा लाइफ में ये चीजें भी होती है, ये चीजें भी होती है, ये साइन भी दिखते हैं, इनका मतलब ये होता है। तो एक बात कह दो गाइस कि ऐसी परिस्थितियों में भी मालिक ने आपका किसी न किसी रूप में मदद की है, सपोर्ट किया है, तो अब क्यों नहीं करेंगे। अभी वो सबसे पहले आपको एक बाउंड्री से बाहर निकाल कर लेकर आना चाहते हैं, जहां पर आप खुश रहो, जहां पर आपका दिल खुश हो जाए, आपके लिए हीलिंग के रास्ते खुल जाए, दरवाजे ओपन हो जाए, आपको आपके हैप्पीनेस के दरवाजे ओपन हो जाएगा। 49 का मतलब भी यही होता है गाइस कि आपकी लाइफ से किसी प्रॉब्लम का अंत करना, क्योंकि यहाँ पर दो दो कार्ड जो है ना डोर के ओपन होने के बारे में कह रहा है, और यहाँ पर आपके बंधे हुए होने के बाद कही जा रही है कि सबसे पहले आपको आजाद करना किसी नेगेटिविटी से, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे आपकी खुद की बुरी आदत हो, चाहे कोई बुरे लोग हो या कोई बुरी परिस्थितियां। आपको किस तरीके से हील मिलती है कि उन परिस्थितियों का, बुरी परिस्थितियों को एंड करके, उनके आपके दुखों को एंड करके अगर आपको खुशी मिलती है, तो आपके लिए वो रास्ते ओपन होंगे। देखो मिरेकल एक नहीं, यहाँ पर भी दो मिरेकल के बारे में बात आई है। यहाँ पर दो व्हाइट कलर के पक्षियों के बारे में बात आ रही है, यानी दो चीजें आपकी लाइफ में एक साथ अच्छी होने वाली है गाइस। ये शुरू भी हो गए, पता है यहाँ पर कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि ये दो चीजें, जस्टिस और एक नई शुरुआत है ना, दो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है, लेकिन इसका आभास आपको नहीं है। ये बहुत धीरे गति में है ना गाइस, और कुछ आप पास्ट की एनर्जी में आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन 4 महीने जो ये आएंगे, ये 4 हफ्ते जो आएंगे ना, ये आपकी लाइफ में इतने सारे बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि 2023 में ही आपकी लाइफ का बदलना लिखा हुआ है ना। बहुत सारे नेगेटिविटी से बाहर आना, और ये जो सुकून आपकी लाइफ में आने वाला है, या मिरेकल जो होने वाला है ना, इसको आप स्पष्ट महसूस करोगे। आप दिल से बहुत खुश रहने वाले हो गाइस, एक बात कह दो, और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी आपको, आप पर मालिक की ब्लेसिंग ऐसी है। सब खुशी आपको मिलेगी। यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई का नजर आना, जो कहता है ना कि दरवाजा ओपन होते ही, खुशी के दरवाजा ओपन होते ही यहाँ पर ही बैठी हुई है। मीन्स क्या है कि सबसे पहले जस्टिस की बात कहना, सबसे पहले सफलता का दिलवाना और मिरेकल होना। देखो कितनी सारी चीजें पॉजिटिव
यानी पॉजिटिविटी के ही द्वार खुल रहे हैं हीलिंग करने के लिए, जैसा कार्ड पर भी लिखा हुआ है कि आपको हील करने के लिए न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होना, नए दरवाजों का ओपन होना, अपॉर्चुनिटी का आना आपकी लाइफ में, आप में वो कॉन्फिडेंस आना कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, मिरेकल आपकी लाइफ में होना और जस्टिस होना, कितनी सारी चीजों में बदलाव। अब ये जो कुछ भी होगा ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे हो रहा था, अब होगा फास्ट फास्ट फास्ट। तो एक खुशी मिले किसी इंसान को, क्योंकि धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो रहे थे ना, तो वो और ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन अब फास्ट फास्ट एकदम शीघ्रता से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मिरेकल होगा। एक नई शुरुआत हुई, फिर से एक नई शुरुआत का हो जाना, एक मिरेकल हुआ, फिर से एक नई मिरेकल का हो जाना, एक कोई खुशी का द्वार खुला, फिर से एक नया द्वार खुल जाना खुशी का। दो दो का कुछ लग रहा है गाइस, है ना, या दो प्रॉब्लम का अंत होना कोई बड़ी बात लग रही है यहाँ पर, कोई छोटी बात के बारे में नहीं कहा जा रहा है ना जी। तो एक बात कहूँ, निश्चिंत होकर लाइफ को जीना का ऐसा, आपकी आपकी प्रॉब्लम खत्म होकर आपको लाइफ में इतना सुख मिलेगा, सच कह रहे हो आप, पूरा जितना भी आज तक की लाइफ में जितना दुख भोगा ना, उस सबको भूल जाओगे, और मालिक को यही कहोगे कि देर सवेर से सही मेरी झोली अगर खुशियों से भरी है ना मालिक, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा न्याय मालिक आप देखोगे, बहुत खुशी मिलने वाली है आपको, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बढ़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मिरेकल के लिए रेडी रहना, हो सकता है इन दिनों में आपको मोर का नजर आना, व्हाइट कलर के पक्षियों का नजर आना, व्हाइट कलर का फेदर नजर आना, या फिर रेमबो दिखना, ये भी हो सकता है ना। मतलब आपके लाइफ में अच्छे होने के बहुत सारे संकेत है गाइस, बहुत सारे संकेत है। ये 2023 है ना, यही देखना आपकी लाइफ में कितने सारे बदलाव लेकर आता है सकारात्मक। नंबर 7, ये देखो फिर से 5 की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी आया था 5 ऑफ कप्स, मतलब बुरे चेंज आपकी लाइफ में होना, जैसा पहले ही कार्ड आया था कि डिवाइन टाइम या जजमेंट का इंतजार क्यों है, कि बार बार बुरी परिस्थितियों में कोई इंसान घिर रहा है और फिर वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहता है, जैसे ये भी कार्ड कह रहा है गाइस कि उससे आप भी बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन एक हेल्प चाहते हो कि कोई आकर मेरी मदद कर दे कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊं। मालिक कह रहे हैं कि हाँ आकर कोई मदद कर देगा आपके, लेकिन आप खुद इतने कैपेबल क्यों नहीं हो जाते कि खुद के लिए स्टैंड लो और खुद इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो आप कहोगे मालिक परिस्थितियां इतनी बुरी हुई देखी हुई है कि चाहकर भी उतना कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है, आप हमें हमें कोई खुशी दो, हमारे में कोई कॉन्फिडेंस का लेवल भरो ताकि हम अपने लिए स्टैंड ले पाए, या कोई सपोर्ट हमारे लिए ऐसा भेजो कि हमें स्टैंड लेने के लिए खुद के लिए एक मदद मिले, एक साहस मिले। तो आपके लिए वैसी परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है जिससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट हो, जिससे आपको भी पता चले कि आप खुद के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा एक्शन आप अपने लिए लोगे गाइस। नाइन की एनर्जी, फिर से कोई प्रॉब्लम के अंत होने की बात, फिर से 9 की एनर्जी, एक ब्लेसिंग का मिलना, प्रॉब्लम के खत्म होने के साथ में ब्लेसिंग का मिलना गाइस, ब्लेसिंग वेट में है आपके, बहुत शीघ्रता से मिलने वाली है आपको, बहुत शीघ्रता से, बहुत निकट हो आप। देखो अगर इस बात को लेकर दुखी हो कि आपको मतलब जितना प्यार या लगाव आपने किसी को दिया है उतना प्यार लगाव आपको नहीं मिला, फिक्र नहीं करना, भर भर के लिखा हुआ है आपके, आपको मान सम्मान का मिलना, अनकंडीशनल लव का मिलना, खुशी का मिलना, ब्लेसिंग का मिलना लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपके लिए खजाना रेडी किया हुआ है, आपकी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाने दो। 9-9 की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी, 1-1-1 की एनर्जी दिख रही होगी, ये इसी वजह से है गाइस कि कोई प्रॉब्लम खत्म होते ही देखो, और उसके खत्म होने का या तो खत्म हो चुकी है या खत्म उस प्रॉब्लम के खत्म होने के लिए रास्ते बन चुके हैं,
अब चाहे आप अपनी तरफ से कोशिश करो ना करो, लेकिन कह सकते हैं गाइस कि किसी परेशानी का खत्म होकर आपकी लाइफ में सुधार का और आपकी लाइफ में अच्छा होना, एक न्यू बिगिनिंग होने का जो समय था ना, डिवाइन टाइम था ना, वो आपकी लाइफ में आ चुका है। जजमेंट तो आपके लिए जस्टिस ही लेकर आ रहा है ना। डिवाइन टाइम क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? जस्टिस, जस्टिस, मिरेकल, और ये ब्लेसिंग एक गिफ्ट के रूप में है गाइस। अचानक आपको मिलेगी, देखना, हिडन है ये, देखो यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, लेकिन एक समय के बाद में अपने आप आपको पता चलेगा। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के साथ में ये कार्ड आया है कि आपके विश का फुलफिल होना। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी यही कहता है, द मैजिशियन का कार्ड, क्या आपके विश का फुलफिल होना, आपको खुश करना। ये देखो नंबर 1 का कार्ड फिर से आया है। इतना मन का सुकून मिलेगा, नई बिगनिंग हुई है, न्यू बिगनिंग हुई है, वो मेरे लिए सेलिब्रेशन लेकर आई है। ये देखो गाइस, बहुत खुश रहने वाले हो, चिंता ही नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना गाइस। आपकी देखो ये कार्ड ही अगर मैं पढ़ लूँ ना, तो ये बिल्कुल यही कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है मालिक ने खत्म कर दी है या खत्म होने के कगार पर है। इनसिक्योर मत रहो, आप खुश रहने के लिए रेडी रह जाओ, हो जाओ, क्योंकि 4 कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के आए हैं। और ये भी कार्ड कहीं ना कहीं आपको हील करने के बारे में कह रहा है, आपके मन को बहुत खुश करने वाला कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये बहुत बड़ा जस्टिस है जो आपके आपके लिए साक्षात विक्ट्री कह लो, फतेह कह लो, ये आपके लिए बना रहा है। वाटर की एनर्जी है, ये पैसों की कमी कभी नहीं रहने वाली है, एक बात कह दो आपको, कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। और दिए कह सकते हैं, रोशनी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में रहेगी गाइस, कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा लाइफ में, एक एक पल जो है ना आगे बढ़ते चले चलोगे। बहुत खुश रहने वाले हो, एक बात कह दूं आपको, 6-6 की एनर्जी यही कहती है कि खुशियों में बरकत का होना, सेलिब्रेशन लाइफ में आना, और न्यू बिगनिंग है ही, ठीक है, तो परेशान मत होना। और देखो इनके पास में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया, 9-9 के कार्ड के पास में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, जो सफलता के साथ आपकी लाइफ में आएगा, जो एक जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में आएगा। तो बहुत सारे, सबसे पहले आपको लेकर कुछ जस्टिस का होना, फिर आपकी परिस्थितियों को लेकर जस्टिस का होना, पहले आपको लेकर एक न्यू बिगनिंग का होना, फिर आपकी परिस्थितियों में सुधार करके न्यू बिगनिंग का होना, यानी पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपको लेकर आपकी आपके आसपास की परिस्थितियों को लेकर, वहां पर पूर्णतया सुधार की संभावना बन रही है, और सब कुछ अच्छा होकर लाइफ में सेलिब्रेशन की संभावना भी बन रही है। एक कोई बहुत बड़े मामले में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा, बहुत बड़ी जीत आप हासिल करने वाले होगा, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम, जस्टिस का टाइम या जजमेंट का टाइम कह लो गाइस, कि ये चल ही रहा है, और बहुत बड़ा जस्टिस या कोई बहुत बड़ी विक्ट्री या बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपको 4 महीने में या 4 हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। आपको अब किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, या फिर बार बार प्रेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ की बागडोर मालिक ने संभाल ली है, वो आपकी परेशानी को खत्म करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, ठीक है ना गाइस। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग जल्द से जल्द हो जाए, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारी लाइफ से सारी परेशानियां खत्म हो जाए, हमारी लाइफ का डिवाइन टाइम जल्द से जल्द आए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो, हमें अनकंडीशनल लव मिले, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।